स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का बयान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए चलाया जा रहा किल कोरोना अभियान के तहत ऑक्सीजन मेडिसिन बेड की उपलब्धता करने से सुखद परिणाम दिख रहे हैं। पाल में इंजेक्शन नहीं मिला, सुबह 6 बजे से लाइन लगती है, वापस सब लोग घर चले जाते हैं। सरकार पूरी तरीके से लगातार मुस्तैदी के साथ में लगी हुई है कि एक से जो इंजेक्शन है उसकी पर्याप्त उपलब्धता हो, और जैसे जैसे उपलब्धता होती जा रही है उसको कर रहा है। मैंने आपको बताया कि जो जिस तरीके से जो केस डायग्नोस हो रहे हैं और जो इंजेक्शन की डिमांड है उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि उसकी उपलब्धता हो और हम लोगों को इंजेक्शन उपलब्ध करा पाए। कमी है नहीं, आप ये बताइए। नहीं, इंजेक्शन की दिक्कत है, ये बात सही है, उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी जो भी हमारे मेडिकल कॉलेज हैं वहाँ पर भी इंजेक्शन अभी उपलब्ध भी है। दिक्कत हो रही है, केस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उस हिसाब से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इंजेक्शन की उपलब्धता हो सके और हम उसकी पूर्ति कर सके। कोरोना काल में रिकवरी रेट भी बढ़ा है। अभियान को पूरी ताकत से अमल में लाकर संतोषजनक परिणाम लाए गए हैं। वहीं 13 शासकीय कॉलेजों में ब्लैक फंगस वार्ड, जिला अस्पतालों में पोस्ट कोविड सेंटर भी खोले गए तथा ब्लैक फंगस की रोकथाम के लिए सरकार तैयारी कर रही है। सरकार इंजेक्शन की कमी ना हो उसकी कमी की पूर्ति भी कर रही है। तीसरी लहर आने से पहले सरकार पूरी तरीके से तैयारी में जुट गई है। यस डाटा न्यूज़ की आपसे अपील, कृपया मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए यस डाटा न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं रश्मि जैन, यस डाटा न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश।